मेरा पंचिम गांव में जाना बहुत जरूरी था और मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं भी पंचिम गांव जाकर रहूंगी। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ फिर युग से बोल पड़ती है। युग बेटा, जब मैंने फोन पर प्रशांत को ये बात बताई कि मैं पंचिम गांव जाना चाहती हूँ ये पता करने कि वहां पर आखिर अनुराग के साथ क्या हुआ था, तो प्रशांत ने तुरंत मुझे मना कर दिया। कहा कि उस गांव में कुछ नहीं रखा है, वहां पर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, वो गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। असल में प्रशांत को मुझे मना करने की एक और वजह थी और वो ये थी कि प्रशांत को डर था कि जिस तरह पंचिम गांव जाकर अनुराग बदल गया, वो भक्षानर बन गया, उसी तरह पंचिम गांव जाकर मुझे भी कुछ ना हो जाए। पंचिम गांव काली शक्तियों से भरा हुआ है, वहां पर जो चाहता है उन काली शक्तियों के वश में हो जाता है। पर प्रशांत को क्या पता था, मैं खुद पहले से एक डायन थी, काली शक्तियों से घिरी हुई थी, भला पंचिम गांव की काली शक्तियां मेरा क्या बिगाड़ लेती। पर प्रशांत की इन बातों ने मुझे भी इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे भी डर लगने लग गया था कि मेरे अंदर की जो डायन थी जिसे मैंने अब तक छुपा कर रखा था वो पंचिम गांव जाकर जागृत ना हो जाए, मैं इतनी बुरी ना बन जाऊं कि खुद अपने बेटे युग तुम्हें ना पहचान पाऊं, तुम्हें ना मारने लग जाऊं। इसलिए मैंने कुछ दिनों का वक्त लिया ये सोचने के लिए कि मुझे पंचिम गांव जाना चाहिए या नहीं। युग एकटक नजर से चित्रा की तरफ देख ही रहा था और उसकी सारी बातें सुनते जा रहा था। चित्रा फिर बोल पड़ती है, युग बेटा, मैं पंचिम गांव जाने या ना जाने का फैसला ले पाती उससे पहले ही एक रात मुझ पर हमला हो गया, वो हमला जिससे मैं अब तक बची हुई थी, और वो हमला किसी और ने नहीं अनुराग ने मुझ पर किया था। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है युग के होश उड़ जाते हैं। वो सोच तक नहीं सकता था कि अनुराग कभी चित्रा पर हमला करेगा, वो चित्रा जिससे कभी वो बेहद प्यार करता था। चित्रा उन पलों को याद करते हुए फिर युग से कहती है, मुझे वो रात अच्छे से याद है युग बेटा, उस रात मैं अपने बेड पर सो रही थी, सोने से पहले मैं तुम्हें अपने बगल में ही सुलाकर सोई थी, पर जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि तुम बेड पर नहीं थे। तुम्हें ढूंढने के लिए जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा तुम ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर खड़े हुए थे। मेरे वहां पर आते ही तुम ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जाने लग गए। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि तुम कहां पर जा रहे थे, वो भी इतनी रात में। जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो मैंने देखा कि तुम किसी काले साये के पीछे जा रहे थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस काले साये को देखकर मेरी क्या हालत हुई थी, मेरी तो सांसें थम सी गई थी। उस काले साये को देखकर मुझे डर था कि वो काला साया तुम्हें कुछ ना कर दे, इसलिए मैं और तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाने लग गई थी। जैसे ही चित्रा इस किस्से का जिक्र करती है युग को फिर उस कहानी की याद आने लग जाती है जो उसने लिखी थी। उसे याद आता है कि ये वाला किस्सा वो उस कहानी में पढ़ चुका था। वो सब पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लग जाते हैं। चित्रा अपनी बात पूरी करते हुए फिर युग से कहती है, मैंने कई दफा तुम्हें आवाज लगाई युग बेटा, पर तुम मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे, जैसे तुम किसी और के वश में हो। तुम कहीं और नहीं, सीधे बंगला मुड़ा घाट पर जाकर रुके थे, और वहां पहुंचकर जब मैं तुम्हें छूने लगी तो तुम्हें छूने से पहले ही किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए किश्नोई नदी के अंदर ले जाने लगा। मैं कुछ देख ही नहीं पाई थी कि कौन मेरे साथ ये सब कर रहा था। पानी के अंदर मेरा दम घुटने लग गया था और मेरी आंखें बंद हो गई, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने कमरे के अंदर थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब मेरा कोई सपना था, पर वो तो बाद में जब मेरी नजर मेरे पैर पर पड़ी तो उस पर किसी के हाथ के पंजे के निशान छपे हुए थे और मेरे कपड़े भी गीले थे। मैं समझ गई थी कि ये सब कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी, तुम सच में उस काले साये के पीछे घाट पर गए थे। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ कहती है, जब सुबह हुई तो मैं इसी बारे में सोच रही थी। मैं ये तो जानती थी कि अनुराग ने काला साया बनकर घाट पर मुझ पर हमला किया था, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो हमला मुझ पर क्यों किया था और वो तुम्हें घाट पर क्यों ले जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इतने दिनों बाद उसने मुझ पर हमला कर दिया था? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि मुझे उसके काले साये वाले राज के बारे में पता चल गया है? मुझे लगा शायद उसकी बातों से मुझे पता चल जाए कि आखिर वो चाहता क्या है। यही सब जानने के लिए मैं उसके कमरे में गई थी, पर जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो अपनी कहानी के किसी सीन को लेकर परेशान बैठा हुआ है। वो यक्षिणी की कहानी की कोई नई रूपरेखा बनाकर कहानी लिख रहा था। वो मुझे खुद उसके बारे में बताने लग गया, कहानी सुनाने लग गया, पर उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और ही था। अनुराग की बातें खत्म होने के बाद मैं उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वहां पर युग बेटा तुम एक पेंटिंग लेकर आ गए। तुमने जो पेंटिंग बनाई थी उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तुमने काले साये की पेंटिंग बनाई थी। मुझे लगा था उस पेंटिंग को देखकर अनुराग भी कुछ रिएक्ट करेगा, पर वो तो ऐसे जता रहा था जैसे उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही ना हो। मैं बहुत घबरा गई थी उस पेंटिंग को देखकर। मेरे पूछने पर भी तुमने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था, पर मैं ये जान गई थी कि रात में जो कुछ भी हुआ था ये तो बस हमले की शुरुआत थी। ऐसे कई हमले थे जो मुझ पर अभी होने बाकी थे,
पर ये नहीं पता था कि वो हमला इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं शाम को किचन में चाय बना रही थी और मुझे दीवार में वो काला साया नजर आने लग गया। जैसे ही चित्रा इस किस्से का जिक्र करती है, युग को याद आता है कि ये किस्सा भी वो पढ़ चुका था। इस किस्से में चित्रा को दीवार के अंदर काला साया नजर आता है और चित्रा के चारों तरफ आग लगने लग जाती है। वो काला साया चित्रा को छूता, उससे पहले ही चित्रा का हाथ चाय की गंजी से लग जाता है और वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। बाद में चित्रा देखती है कि कमरे के अंदर भी आग नहीं लगी थी, सब उसका वहम था। पर वो जानती थी कि ये सब सच में हुआ था, क्योंकि उसके हाथ पर जलने का निशान था। चित्रा किस्से की बात खत्म करते हुए युग से कहती है, युग बेटा, अनुराग पहले तो सच में मुझ पर हमला करता था और फिर उस हमले को मुझे भ्रम दिखा देता था, जैसे वो मुझे मारना तो चाहता हो पर मारने से पहले डराना चाहता हो, सताना चाहता हो। उस रात इन हादसों के बारे में सोचते हुए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। और जब मैं चाय बना रही थी तो मुझे याद आया कि अनुराग जिस कहानी का जिक्र कर रहा था, उसमें भी औरत किचन में चाय बना रही थी। बार बार मेरे दिमाग में अनुराग की यही बात घूम रही थी। मैं अनुराग की वो लिखी कहानी पढ़ना चाहती थी, देखना चाहती थी कि आखिर उस कहानी में क्या लिखा था। चित्रा फिर युग से कहती है, युग बेटा, जब मैं अनुराग के कमरे में गई तो मैंने देखा कि अनुराग उसी कमरे में कुर्सी पर सो रहा था और वहीं पर उसकी लिखी कहानियों की स्क्रिप्ट रखी हुई थी। मैं उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने लग गई और उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। तुम्हें पता है युग बेटा, उन स्क्रिप्ट्स में वही सब लिखा हुआ था जो पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ हुआ था। उनमें वही 2 हादसों का जिक्र था। मैंने देखा कि अनुराग ने उस कहानी में तुम्हारा और मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग ने अपनी कहानी में हमारा जिक्र क्यों किया था, अपनी कहानी का पात्र हमें क्यों बनाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अनुराग से पूछ कर रहूंगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो क्यों हमें अपनी कहानी का किरदार बना रहा है, और सबसे जरूरी बात कि जो सब अनुराग ने अपनी कहानी में लिखा था वही सब मेरे साथ कैसे हो रहा था। पर अगली सुबह अनुराग इतनी ज्यादा जल्दी में था कि उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं और वो चले गया। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ फिर युग से बोल पड़ती है, शाम को जब अनुराग लौटा तो उसने बताया कि पब्लिशर उसकी यक्षिणी की किताब पब्लिश करना चाहता है, जिसके लिए उसने उसे 50,000 का चेक दिया था। अनुराग बहुत खुश था और उसकी खुशी देखकर उस पल में सब कुछ भूल सी गई। मेरा सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उस वक्त अनुराग को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पुराना वाला अनुराग वापस आ गया हो। मुझे भी ये लगने लग गया था कि ये सब बस इत्तेफाक था। भला अनुराग जो कहानी लिख रहा था वो कहानी हमारी जिंदगी से कैसे मैच हो सकती थी। पर उसी रात एक और हादसा हुआ, ठीक वैसा ही हादसा जो अनुराग के टाइपराइटर में जो पेज लगे हुए थे उसमें मैं पहले ही पढ़ चुकी थी। पर वो किस्सा आधा लिखा था, जिस कारण मैं जानती ही नहीं थी कि आगे क्या होने वाला था। चित्रा उस तीसरे खौफनाक हादसे को याद करते हुए युग से कहती है, उस रात युग बेटा, तुम्हें लोरी गाकर सुलाने के बाद मैं पानी पीने के लिए किचन में गई थी और मुझे याद आया कि जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी उसमें भी एक औरत पानी पीने गई थी अपने बच्चे को सुलाकर। ये सोचकर मैं तुरंत भागते हुए वापस बेडरूम में गई और जब मैं बेडरूम में गई तो वही हुआ था जो पहले कहानी में लिखा हुआ था। तुम बेडरूम में नहीं थे और तुम्हें ढूंढते हुए जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा वहां पर सिर्फ तुम मौजूद नहीं थे बल्कि तुम्हारे साथ वो काला साया भी मौजूद था। वो तुम्हारे बदन पर चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। युग मन में सोचने लग जाता है, माँ सच कह रही है, उस किताब में भी यही लिखा हुआ था। चित्रा फिर युग से कहती है, मैं ये तो जानती थी कि उस काले साए के वेश में अनुराग था, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अनुराग आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, पर उस दिन अनुराग की बातों ने ही मुझे इन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। अनुराग नहीं चाहता था कि हम वहां पर रुके। बातों ही बातों में उसने ये कहा था कि ये ग्रेवयार्ड कोठी उसकी है, मुझे युग को लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। काले साए के रूप में अनुराग की सारी बातें सुनकर भी मैं अनजान बनी रही। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे यक्षिणी मुझ पर हमला कर रही है। मैं यक्षिणी को ही कोस रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि अनुराग का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो तुम्हें सच में मारने लग जाएगा। पर तुम्हें कुछ कर पाता उससे पहले मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी तरफ भाग पड़ी, पर उसी वक्त काले साए ने मुझे एक हाथ मार दिया जिस कारण मैं दूर जाकर दीवार से टकरा गई और जब मैंने अपनी नजरें ऊपर की तो वहां से वो काला साया गायब हो चुका था और उसके साथ तुम भी। मैं तुरंत फिर बेडरूम की तरफ भागी और जब मैं वहां पर पहुंची तो तुम बड़े आराम से बेड पर सो रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरे सिर से निकलती खून की धार बार बार इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ देर पहले कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ था। वो सब भ्रम नहीं बल्कि हकीकत थी। युग बड़ी खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब उसे कुछ ऐसी बात पता चलने वाली थी जो उसे पता नहीं थी। चित्रा फिर युग से कहती है, युग बेटा, अनुराग ने पहले जो मुझ पर हमले किए थे उसे तो मैंने चुपचाप सह लिया था, उसे कुछ नहीं कहा था, पर इस हमले में उसने तुम्हें बीच में लाया था।
तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अनुराग को माफ नहीं करूंगी, बदला तो मैं लेकर रहूंगी। आखिर मैं भी एक डायन वंश से थी और डायन कभी अपने बदले नहीं भूलती। अनुराग ने तुम पर हमला किया था और तुम मेरी सबसे कीमती चीज थे। तुम मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हो। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी अनुराग की उस चीज पर हमला करूंगी जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। और अनुराग को जो चीज उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी वो थी उसकी यक्षिणी की कहानी जिसे वो लिख रहा था। मैंने सोच लिया था मैं अनुराग की लिखी कहानी को जलाकर खाक कर दूंगी। मैं अनुराग के कमरे में उस स्क्रिप्ट को जलाने के लिए गई थी, पर वहां पर जाकर मुझे वो राज पता चला जो शायद अगर उस कमरे में नहीं जाती तो कभी पता ही नहीं चलता। चित्रा की बात सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, ये माँ किस राज की बात कर रही है? वो कहानी जो मैंने लिखी थी उसके अनुसार तो माँ ने बस उस कमरे से यक्षिणी की स्क्रिप्ट उठाई और उसे बाहर लाकर जला दी थी, पर और क्या हुआ था उस कमरे में ऐसा जिसके बारे में उस कहानी में नहीं लिखा था? चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, अनुराग ने यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए तुम्हारा और मेरा यूज किया था। उसने तुम्हें और मुझे उस कहानी के किरदार बनाए थे। उन किरदारों के साथ जो भी होता था वही सब तुम्हारे और मेरे साथ भी असल जिंदगी में होता था, और यही बात समझ से परे थी कि ये सब कैसे हो रहा था। टाइपराइटर पर जो भी टाइप होता था वो सब सच कैसे हो जाता था। लेकिन उस रात जब मैं अनुराग के कमरे में गई तो इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।